अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही भल्ले और चना चाट के लिए रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। स्टेप वन में आपको सफ़ेद ज़ीरा एक छोटी चम्मच चाय की और धनिया, साबुत धनिया जो है एक टेबल स्पून, काली मिर्च आधी चम्मच छोटी चम्मच और काला ज़ीरा आधी छोटी चम्मच और सुरख मिर्चें जो कि साबुत सुरख मिर्चें वो आपको 8 से 9, आप इन सबको मीडियम हीट पर 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है और उस वक्त तक जब तक कि आपको खुशबू आना शुरू हो जाए और ये लाइट ब्राउन हो जाए। जब आप इसको भून रहे होंगे तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेडी है। इसको ठंडा होने दें। इसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, आपने इस शक्ल में इसको रखना है। स्टेप टू के लिए हमें अनारदाने का पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टीस्पून और सिट्रिक एसिड जिसको हम टार्टरी या लीमू का साथ कहते हैं वो भी 1 टीस्पून। अब आपने इन चारों चीज़ों को स्टेप वन के पिसे हुए मसालों में ऐड कर देना है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमारा स्टेप थ्री जो है उसमें हमें अजवाइन चाहिए 1/2 टीस्पून और सौंफ 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून। इन दोनों को भी आपने एक साथ ग्राइंड कर लें और इसको भी आपने उसी मसाले में मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि कितना आपने इसको पीसना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक शीशे के जार या आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में इसको काफ़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।